Good morning, my dear children of class 7. आज हम इसी ब्रेव इन लाइफ में ब्रेव इन डेथ जो चैप्टर सेकेंड है मिर्जा मेनोट के बारे में आपने पढ़ा कि वह चंडीगढ़ में पैदा हुई थी। वह एक करुणाशील और चेतनशील औरत थी। उनका शादी 1985 ईस्वी में हुआ जो पारंपरिक रीति रिवाज से हुआ। वह अपने पति के साथ गल्फ कंट्री चली गई लेकिन वहाँ जाने के बाद उन पर दहेज के लिए दबाव दिया गया जो वह बर्दाश्त नहीं कर सकी और 2 महीना के अंदर अपने माता पिता के साथ बम्बई आ गए। बम्बई आने के बाद उन लोगों में आपसी समझौता नहीं बन पाया और उन लोगों का वैवाहिक संबंध खत्म हो गया। उसके बाद यह अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए निर्णय की और मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए इन्होंने साइन किया। उसके आगे आज पढ़ाते हैं। ए लिटल लेटर सी अंडरटूक द ट्रेनिंग फॉर ए फ्लाइट पर्सन विथ पान एम। ए लिटिल लेटर यानी थोड़े ही दिन के बाद सी अंडरटूक द ट्रेनिंग फॉर ए फ्लाइट पर्सन। फ्लाइट पर्सन कहते हैं हेड ऑफ द फ्लाइट अटेंडेंट, जिसको आजकल उसी को हम लोग एयर होस्टेस कहते हैं, यानी यात्रियों की सेवा के लिए जो वहाँ सर्वर होते हैं यानी जो सेवा करने वाले लोग होते हैं उन्हीं को फ्लाइट अटेंडेंट कहा जाता है। उनका प्रधान बनने के लिए यह प्रशिक्षित हुई। किसके साथ? पान एम के साथ। इमेंसली डेडिकेटेड मिर्जा मेड ए रेस्पॉन्सिबल एंड कमिटेड फ्लाइट अटेंडेंट। इमेंसली डेडिकेटेड यानी संपूर्ण जो इनका समर्पण मिर्जा को एक जिम्मेवार और सजग वायु सहायक बना दिया यानी फ्लाइट अटेंडेंट बना दिया। ऑन 5 September 1986 सी हैड रिटर्न फ्रॉम ए डे लॉन्ग शूट फॉर ए मॉर्निंग असाइनमेंट। 5 September 1986 को वह वापस आ चुकी थी एक लंबे मॉडलिंग असाइनमेंट पूरा करके, यानी मॉडलिंग करने के लिए कहीं गई थी। वहाँ वह कार्य पूरा करके वह वापस आ चुकी थी। सी वाज द सीनियर फ्लाइट पर्सन ऑन द फ्लाइट। वह जो उड़ान था उसकी यह प्रमुख फ्लाइट अटेंडेंट थी। ऑन विच हर कॉरेज वाइज टू बी टेस्टेड। वहाँ उनके साहस का जांच होना था। द टेस्ट दैट मेड हर सो वेरी स्पेशल टू आवर कंट्री। और वह जो परीक्षा वह जो जांच था वह देश के लिए भी एक बहुत विशेष होने वाला था। टू ह्यूमैनिटी और मानवता के लिए भी वह उनका जो जांच था उनकी जो परीक्षा की घड़ी थी वह मानवता के लिए भी एक विशेष थी। क्या घटना घटी देखिए। एट कराची द प्लेन वाज हाईजैक्ड बाई 4 हैवली आर्म्ड टेररिस्ट। कराची में वह जहाज जो उड़ान भर रहा था हाईजैक्ड हो गया यानी उसको अपहरण हो गया था। 4 हथियारबंद आतंकवादियों के द्वारा वह जहाज अपहृत हो गया था यानी उसका अपहरण हो चुका था। इमीडिएटली मिर्जा रश टुवार्ड द कॉकपिट टू इन्फॉर्म द कैप्टन। शीघ्र ही मिर्जा या सूचना देने के लिए कैप्टन को कॉकपिट की तरफ भागी। कॉकपिट कहते हैं चालक
जो वायुमान चलाते हैं पायलटों का एक कक्ष होता है उसी को कॉकपिट कहते हैं। द एयर टेररिस्ट कॉट हर बाई हर पोनी टेल बट सी मैनेज टू सॉल्व द हाईजैक कोड। एक टेररिस्ट उनका चोटी पकड़ लिया, पोनी टेल कहते हैं चोटी को, बट सी मैनेज टू सॉल्व द हाईजैक कोड, लेकिन उन्होंने क्या किया, हाईजैक कोड को जोर से चिल्लाया ताकि कैप्टन समझ सके उन लोगों का कुछ संक्षिप्त भाषा था। वह जोर से चिल्लाई मैनेज टू सॉल्व, किसी तरह से वह जोर से चिल्ला दी ताकि चालक यह समझ सके कि भाई हमारा प्लेन हाईजैक हो चुका है। अनदर फ्लाइट अटेंडेंट हु गॉट द कोड कन्वेड इट अहेड, और वह जोर से चिल्लाई कि दूसरा जो फ्लाइट अटेंडेंट थे, दूसरा जो वायु सहायक थे, वह क्या कि आगे इस मैसेज को आगे बढ़ाते चले गए। इस तरह से पायलट के पास मैसेज चला गया। व्हाट फॉलोड वाज ए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर ऑल दोज ऑन बोर्ड। व्हाट फॉलोड ए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, यह एक अद्भुत अनुभव वह देखा गया। द थ्री मेंबर कॉकपिट क्रू ऑफ पायलट को पायलट एंड फ्लाइट इंजीनियर एक्सिबिटेड ग्रेट कोऑर्डिनेशन। जो कॉक संचालक चालक दल के जो तीन मेंबर थे, क्रू कहते यानी पायलटों के समूह जो था, उसमें कौन को पायलट था, फ्लाइट इंजीनियर, ये लोग एक्सिबिटेड यानी अपना ग्रेट कोऑर्डिनेशन, ये काफी अपना डर प्रदर्शित किया, यानी वे लोग काफी डर गए थे। दे डेजर्टेड द प्लेन एंड द 360 पैसेंजर एंड ए 13 मेंबर केबिन क्रू वेयर लेफ्ट इन द हैंड ऑफ द हार्टलेस टेररिस्ट। वह डर करके दे डेजर्टेड द प्लेन, वे जहाज को डेजर्ट कर दिए थे, डेजर्ट मरुस्थल यानी एकदम छोड़ दिए। 300 उसमें 360 पैसेंजर थे और 13 केबिन क्रू के, यानी जो फ्लाइट अटेंडेंट का 13 लोगों का समूह था, वे लोग उस निर्दय आतंकवादी के हवाले कर दिए। डर करके उस प्लेन में जो बैठे हुए थे 360 यात्री और 13 जो केबिन क्रू यानी फ्लाइट अटेंडेंट का जो 13 सदस्य थे, इन सबों को ये लोग क्या किए, उस क्रूअल यानी हार्टलेस कहते हैं क्रूअल, उस निर्दयी आतंकवादी के हवाले छोड़ दिए। निर्जा वाज द केबिन क्रू लीडर, निर्जा जो थी उस केबिन क्रू यानी उसमें फ्लाइट अटेंडेंट की नेता थी। विथ ग्रिट एंड ए डीप सेंस ऑफ ड्यूटी सी टूक ओवर कमांड। जब यह स्थिति देखी तब इनका अपने कर्तव्य का बोध हुआ कि नहीं, इस विकट परिस्थिति में अपने अदम्य साहस और समर्पण का भाव कर्तव्य के प्रति इनका इनको जागृत हुआ। सिटू को भर का मांड, वह सभी अपने अंतर्गत उस वस्तु स्थिति को अपने अंतर्गत की, सी केप द पैसेंजर काम एंड इंश्योर दैट। सबसे पहले वह सभी यात्रियों को शांत कराई और उनको आश्वस्त की कि दे वी आर कम्फर्टेड, कि वे आराम से हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सभी पैसेंजर यात्री को संतावना देती हैं। सी कंटिन्यू टू सर्व एंड अटेंड टू द पैसेंजर नीड, और वह अपना सेवा यात्रियों की आवश्यकता के अनुसार वह अपना सेवा को जारी रखती है। सी रियलाइज दैट द टेररिस्ट वुड हार्म द अमेरिकन पैसेंजर द मोस्ट। वह अनुभव करती थी कि भाई यह जो आतंकवादी हैं, हो सकता है कि अधिक
अमेरिका के जो यात्री हैं उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे ऐसा उनको अनुभव हुआ। होपिंग टू कन्फ्यूज द टेररिस्ट अबाउट देयर आइडेंटिटी सी डिस्क्रीटली कलेक्टेड ऑल द अमेरिकन पासपोर्ट एंड हाइड देम। होपिंग टू कन्फ्यूज द टेररिस्ट अबाउट देयर आइडेंटिटी अपने पहचान को सी डिस्क्रीटली कलेक्टेड हॉल तब यह क्या की कि जितने भी अमेरिकन जो पैसेंजर थे वह सभी का धीरे धीरे आइडेंटिटी को लेते ले गए परिचय पत्र को लेते गए और उनको छुपा दी। द ड्रामा ऑफ द हाईजैक कंटिन्यू अबाउट 70 आवर्स। यह जो दुखद नाटक था अपहरण का यह लगातार 17 घंटों तक चलता रहा। सिंस द पावर हैड बिगेन टू फील धीरे धीरे पावर हैड बिगेन टू फील धीरे धीरे क्या हुआ कि वायुमान का ईंधन खत्म हो गया। द लाइट बिकेम डिम और प्रकाश धुंधला हो गया। द टेररिस्ट थॉट दैट आतंकवादी सोचे कि द पैसेंजर यहाँ तक हम पढ़ाए थे कि अब वायुमान का ईंधन खत्म हो जाता है और लाइट क्या होता है डिम हो जाता है धुंधला हो जाता है। तब द टेररिस्ट थॉट दैट तब आतंकवादी सोचता था कि द पैसेंजर वुड ट्राई टू एस्केप इन द डार्कनेस हो सकता है कि जो यात्री हैं इसमें अंधेरे में छुपने का प्रयास कर सकते थे एंड इट वुड बी डिफिकल्ट टू होल्ड देम एट रैंसम। इन लोगों को नियंत्रित करना कठिन हो सकता था। दे बिगेन फायरिंग एट रैंडम यह स्थिति को देख करके कि भाई प्रकाश चला गया अब यात्रियों को नियंत्रित करना कठिन हो सकता है ये लोग छुपने का प्रयास कर सकते हैं। इसको देखते हुए आतंकवादी क्या किए दे बिगेन फायरिंग एट रैंडम अब अचानक फायरिंग शुरू कर दिया गोली चलाना शुरू कर दिया। इमिडिएटली नीरजा रश टू द इमरजेंसी डोर एंड पुश इट ओपन तुरंत जेव ही अंधेरा होता है निर्जा दौड़ करके आपातकालीन द्वार के पास जाती है एंड पुश इट ओपन और उसको खोल देती है। डिसेपरेटली सी क्राइड गेट आउट रन और अलग होकर के जोर से चिल्लाती है कि भाई जल्दी जल्दी बाहर निकलो दौड़ो। दीज वर्ड हैव नॉट बीन फॉरगेटन बाई द सर्वाइवर जो भी आज जीवित हैं इन शब्दों को आज तक वे नहीं भुलाए हैं। दे कैन ऑल्सो रिकॉल हाउ सी गाइडेड एंड पुश्ड पीपल डाउन द शूट दे कैन ऑल्सो रिकॉल वे आज भी याद कर सकते हैं कि वह कैसे सभी यात्रियों को निर्देश दी और कैसे वह सभी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रयास किए। द मोस्ट टचिंग पार्ट ऑफ द इंटायर एक्सपीरियंस वाज हर डेथ और सबसे हृदय विदारक जो अनुभव था वह उनकी मृत्यु थी। व्हाइल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट 3 चिल्ड्रेन जब वह 3 बच्चों को बचाने का प्रयास कर रही थी सी ऑब्जर्व द ऑनस्लॉट ऑफ बुलेट दैट पर्स हर बॉडी तो वह सी ऑब्जर्व तब तक देखती है कि यह बुलेट का एक गोली उनके शरीर को तब तक विदीर्ण कर देता है जीर्ण शीर्ण अवस्था में कर देता है। आज इतना है।